हेलो दोस्तों, घुमक्कड़ राही के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। वैसे तो इंडिया में खूबसूरत जगहों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज हम आपको लेके चल रहे हैं ईस्ट के एक प्रदेश सिक्किम में। सिक्किम का ट्रिप स्टार्ट करने से पहले हम इस वीडियो में सिक्किम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे, जैसे कि वहाँ पर हमें कब जाना चाहिए, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ के क्या क्या विजिटिंग प्लेसेज हैं और मैनी मोर थिंग्स। सिक्किम के बारे में सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप हमारे साथ नई नई ट्रिप पे जा सकें और नई जगहों को एक्सप्लोर कर सकें। चलिए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल कि सिक्किम कैसे पहुंचा जाए। सिक्किम पहुंचने के 3 रास्ते हैं, एयरवे, रेलवे एंड रोडवेज। गैंगटॉक के नियरेस्ट बागडोगरा वेस्ट बंगाल का एक नेशनल एयरपोर्ट है, जो कि सभी मेजर सिटीज से कनेक्टेड है। यहाँ से गैंगटॉक के लिए रोड ट्रांसपोर्ट बहुत इजीली मिल जाता है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो न्यू जलपाईगुड़ी एंड सिलीगुड़ी, ये 2 नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है गैंगटॉक से, और यहाँ से भी आपको रोड ट्रांसपोर्ट गैंगटॉक के लिए बहुत ईजीली मिल जाता है। अगर आप रोड से आना चाहते हैं तो वाया सिलीगुड़ी आप गैंगटॉक ईजीली पहुँच सकते हैं और रास्ते में खूबसूरत वादियों का आनंद भी उठा सकते हैं। टूरिज्म और विजिटिंग प्लेसेस के हिसाब से देखा जाए तो सिक्किम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है ईस्ट सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम और है वेस्ट एंड साउथ सिक्किम। ईस्ट सिक्किम में गैंगटोक और उसके नियर बाय 10 to 5 किलोमीटर्स की कुछ प्लेसेस आती हैं, छांगो लेक, नाथुला पास, बाबा हरभजन सिंह मंदिर, जुलक एंड मैनी मोर प्लेसेस। गैंगटोक और उसके नियर बाई एरिया घूमने के लिए आपको 1 से 2 दिन चाहिए और यहाँ के लिए आपको किसी भी परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नाथुला पास और बाबा हरभजन सिंह मंदिर का जो ट्रिप है वो 1 दिन का ट्रिप है। इस ट्रिप में आपको गवर्नमेंट से परमिट की रिक्वायरमेंट होती है और ये परमिट आपको टूरिस्ट एजेंसियों के थ्रू ही मिल सकता है, ये वहाँ के गवर्नमेंट का रूल है। ट्रैवल एजेंट 4 से 5 लोगों और एक स्मॉल कैब के लिए आपसे 7 से 8 हज़ार रुपये चार्ज कर सकते हैं। सिक्किम जाने का बेस्ट टाइम मार्च टू जून एंड मिड सितंबर टू नवंबर रहता है। इस बीच आपको मौसम भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है नॉर्थ सिक्किम, ये काफ़ी खूबसूरत एरिया है। यहाँ जाने के लिए भी परमिट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए टूरिस्ट एजेंसियों ने यहाँ के लिए 3 दिन का पैकेज बनाया हुआ है, जिसमें ट्रांसपोर्ट, फूडिंग, लॉजिंग तीनों इंक्लूड रहता है और इसमें से आप कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते। फूडिंग के लिए भी आपको उन्हीं पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर फूडिंग के लिए जगह जगह ढाबे या शॉप्स नहीं होती हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो जिस होटल में आपके रुकने की व्यवस्था होती है उसी होटल में ही आपका फूडिंग का भी इंतज़ाम होता है। नॉर्थ सिक्किम का मेन अट्रैक्शन है गुरुडुम्बा लेक, ये इंडिया की हाईएस्ट लेक है। ये 17,800 फीट की ऊँचाई पर है। इसके अलावा युंगथाम वैली, लाचुंग, चोपटा वैली, थांगू वैली, जीरो पॉइंट एंड मैनी मोर अट्रैक्शन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले 4 से 5 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, जिसमें वो परमिट, फूडिंग, लॉजिंग सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप कोई SUV हायर करना चाहते हैं तो वो 11 से 12 हज़ार रुपये लेती है, उसमें भी परमिट, फूडिंग, लॉजिंग सब इंक्लूड रहा। SUV इसलिए क्योंकि वहाँ छोटी गाड़ी अलाउड नहीं है। अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से नॉर्थ सिक्किम जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपकी गाड़ी 4x4 या कोई SUV होनी चाहिए और आपकी ड्राइविंग स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो एरिया काफ़ी एडवेंचरस है। परमिट के लिए भी आपको टूरिस्ट एजेंसी के पास ही जाना पड़ेगा, जो कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखने के बाद ही आपको परमिट इशू करवा सकते हैं। उसके लिए आप उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो कुछ चार्जेस लेके आपको मे बी परमिट इशू करा दें। अगर आप अपनी खुद की बाइक से जाना चाहते हैं तो गाड़ी के कागज आपके नाम पे होना चाहिए, और अगर आप हायर करना चाहते हैं बाइक को तो भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, ID प्रूफ वगैरह पूरा होना चाहिए, उसके बाद आपको परमिट ईजीली मिल जाता है। इसके बाद हम आते हैं वेस्ट और साउथ सिक्किम में। यहाँ के लिए आपको किसी भी परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको आप अपनी प्राइवेट व्हीकल या फिर किसी भी टैक्सी से इजीली घूम सकते हैं और इसके लिए आपको मैक्सिमम 1 से 2 दिन की ज़रूरत पड़ती है। ये एक छोटा सा आइडिया सिक्किम के बारे में कि हम सिक्किम कब जाएं, कैसे जाएं और वहाँ पे क्या क्या जगह हैं घूमने के लिए। अगले ब्लॉग में हम आपको लेके चलेंगे अपने संग सिक्किम, तो बने रहिए हमारे संग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इफेक्टिव लगी हो और ये ब्लॉग पसंद आया हो तो घुमक्कड़ फैमिली के इस घुमक्कड़ राही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके सपोर्ट और प्यार की वजह से हम आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे और आपको नई नई जगहों का एक्सप्लोर कराते रहेंगे।